आप जितना समझ रहे हो भी नहीं है, इसको रेगुलर स्टडी चाहिए। अभी इसको आप बंद करके रखोगे और 8 दिन के बाद खोल के देखो, आपको पता चल जाएगा क्या पढ़ाया था, भूल जाओगे। ठीक है, चलो ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस स्टार्ट करेंगे। आई थिंक लास्ट लेक्चर में आई रिमेम्बर दैट मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया था, टोटल उसी को कंटिन्यू करेंगे। है बोलता नहीं है, सर आ गया आज। अरे मीडिया पर इंस्टाग्राम पर कोमल आवाज आ रही है यहाँ से, मतलब एक साइड से नीचे आ रहा है। चलो पकड़ के रख, तू ही हिलाता है उसका पेट। नाउ आई थिंक कल का ले थोड़ा एग्जांपल है, थोड़ा कंटिन्यू करेंगे।
बड़ी काम की चीज है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय द टोटल यूटिलिटी, क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी, क्या होता है. दोनों में डिफरेंस बहुत सिंपल है, बट ये इंग्लिश वाला थ्योरी बाद में पढ़ेंगे. बट एस्टरडे आई हैव गिवन वन एग्जांपल. एग्जांपल था मैंगो का. व्हेन आई कंज्यूम, आई लाइक अ मैंगो, अज्यूम करते हैं मैंगो का साइज सेम है, अज्यूम करते हैं क्वालिटी सेम है, अज्यूम करते हैं मेरे पास 7 या 6 मैंगो है जिसको मुझे खाना है. जैसे कि आज अभी इसी वक्त मेरे मम्मी ने मुझे मैंगो पसंद है इसलिए 7 मैंगो लेके आए, सेम साइज सेम टेस्ट सेम कलर, अजम्पशन ही है राइट. और मुझे बोली बेटा तुझे बहुत मैंगो पसंद है इसलिए मैं तेरे लिए मैंगो लेके आई हूँ, तू खा. तो मैं खाना चालू किया. सो आपको समझ में आ रहेगा अपने को, अगर मुझे कोई चीज पसंद है तो मैं जो पहली मतलब सपोज फर्स्ट मैंगो में खाएगा इट विल गिव मी अ मोर सेटिस्फेक्शन, उससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे पसंद है इसलिए वो चीज मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी. यस और नो? सो यू कैन सी दैट हियर व्हेन आई ईट फर्स्ट मैंगो तो बोर्ड ऑफ गया था ना, उससे मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना. सो हाउ मच, अभी यूटिलिटी का वर्ड, ये वर्ड यहाँ पर नंबर्स में चला जाएगा, हम लोग कार्डिनल में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं. क्योंकि जब तक मैं कार्डिनल नंबर्स में नहीं जाऊंगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा. जबकि मार्शल बोल रहा है यूटिलिटी कैन नॉट मेजर इन अ कार्डिनल, यूटिलिटी को नंबर्स में माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते. आई अंडरस्टैंड दैट, पर जब तक मैं मापूंगा नहीं तोलूंगा नहीं आपको समझ में आएगा. क्योंकि मैं एक मैंगो खाता हूँ तो एक मैंगो से अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट बुक मुझे कितना यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यूटिलिटी. ये कल आपने बताया सर, एक मैंगो से आपको 10 मिल रहा है, पर टेक्सचुअल के हिसाब से जब आपने बोला मैं सेकंड वाला भी खाऊंगा तो आप लोग ने आंसर दिया था सर आपको सेकंड मैंगो से कितना सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, 20. बट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक मतलब एक मैंगो जब मैंने खाया तब मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 10 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला बराबर. जब सेकेंड वाला खाया तो मुझे 20 मिलना चाहिए टोटल मिला के, बराबर है ना. लेकिन आपने तो मैथ कैलकुलेट किया, यहाँ पर लिखा है 8. उसका रीजन वो मैडम ने दिया था, क्या रीजन था थोड़ा कंटिन्यू करेंगे. उसके बाद अगर मैं थर्ड मैंगो खा रहा हूं तो मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मैं फोर्थ खा रहा हूं, मैं फिफ्थ खा रहा हूं, मैंने मैं सिक्स वाला भी खा लिया, 6 ही है ना, इधर 7 है और 7 6 में कितना 0. ओके नाउ यू कैन सी दैट टोटल हाउ मेनी मैंगो आई हैव कंज्यूम, 7. सिंपल है ना, सी एकदम सिंपल है. ये है कंज्यूमर, ये कौन है, अब इसको क्या करना है, कंज्यूम करना है मतलब खाना है. जो वर्ड आते हैं इकोनॉमिक्स में उसके लिए सब बताना पड़ता है, यहाँ पे कंज्यूम करना है बराबर. देन यू विल फाइंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय द कंज्यूम. तो कंज्यूम का मतलब कंजम्पशन. एक कंज्यूमर है जिसके पास, जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया था, मेरी मम्मी ने मुझे 7 मैंगो ला के दिया, इस कंज्यूमर को मैंने 7 मैंगो ला के दिया और उसको बोला खाना चालू, तो इसने फर्स्ट मैंगो खाया तो ही विल गेट 10 यूनिट का सेटिस्फेक्शन, जिसको हम लोग यूटिलिटी बोलते हैं. व्हेन ही ईट्स सेकंड वाला मैंगो तो वो, आपने बोला सर एक मैंगो से 10 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 10 यूटिलिटी मिल रहा है, तो 2 से 20 मिलना चाहिए, आपने मैथ कैलकुलेट किया. और थ्योरी ऐसे जा रहा है 2 से मुझे कम मिला, 8. When I eat third mango, so satisfaction level started decreasing. कम होती जा रहा है सर, 3 से 30 का utility मिलना चाहिए था, और यहाँ पे कितना मिल रहा है, 10 मिलना चाहिए था, 6 हो गया. जब मैंने फोर्थ मैंगो इमिडिएटली खाना चालू किया सो आई गेट 4 यूनिट का सेटिस्फेक्शन. When I fifth mango, then I'll get 2. You can see that here 7 मैंगो है मेरे पास, पहला मैंगो से मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, पर सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ व्हेन आई स्टार्टेड ईटिंग सेटिस्फेक्शन लेवल स्टार्टेड डिक्रीज हो रहा है. अब एक लेवल ऐसे आया बेटा, एक लेवल ऐसे आया कि जब मैंने 6 वाला मैंगो खाया बट इट डज नॉट गिव मी सेटिस्फेक्शन, नहीं मिला उससे मुझे. क्यों, रीजन मालूम है आपका, उसका रीजन ये था कि माय स्टमक एंड कंज्यूमर का स्टमक हैज गेट फुलफिल, सो इट मींस दैट हिज सेटिस्फेक्शन लेवल इज कंप्लीटेड. वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल पर्सन, तो 6 मैंगो से क्या होता है, एक डजन खा लेता हूं, वो रैशनल पर्सन नहीं है, तो वो एबनॉर्मल है. हम लोग यहाँ पे अपनी बात कर रहे हैं कि आप एक टाइम पे कितना खा सकते, 2 3 4 बस उतना इनफ हो जाता है. फिर भी
मैंने छह मैंगो आपको दिया था, खाना नहीं आया, यही खाना है, तो सिक्स मैंगो भी खाया, बट इट डज नॉट गिव यू सैटिस्फेक्शन. यू नो व्हाट व्हाई? बिकॉज़ सैटिस्फेक्शन लेवल इज अ कंप्लीटेड. अभी कंप्लीट हो गया सर सैटिस्फेक्शन. अरे बेटा एक ही तो बचा है, शादी तो है, अब इसको किधर रखेगा, शाम तक ये नरम हो जाएगा. अच्छा ठीक है काटो, तो खा लिया इसको. But it does not give you satisfaction. It goes into the negative. इसको अपन comedy language में बोल सकते हैं उल्टी कर दिए. Because ये क्या हुआ? Over satisfaction हो गया. बराबर? So this theory is applicable to here also. जैसे कि हम लोग ने पढ़ रहे, ये psychological है. इसके अंदर हम लोग consumer का behavior study कर रहे. When consumer eats first unit of commodity, he gets 10 units of satisfaction. और slowly slowly satisfaction level is decreasing. Because satisfaction धीरे धीरे कम होता है. बराबर है ना? So, अब ये जो एक यूनिट से मुझे कितना मिला था, एक मैंगो से कितना मिला था सेटिस्फेक्शन? 10. जब दूसरा खाया तब दूसरे से कितना मिला? जब तीसरा खाया तीसरे से कितना मिला? जब चौथा खाया चौथे से कितना मिला? नाउ 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 लिसन, ईच एंड आफ्टर वन कम्युनिटी एक दूसरा कम्युनिटी एड हो रहा है. मैं टोटल नहीं कर रहा हूं. अगर मुझे किसी ने पूछा कि पहले यूनिट ऑफ मैंगो से कितना यूटिलिटी मिला, 10, दूसरे से कितना मिला, 8, तीसरे से कितना मिला, बट ईच टाइम एवरी टाइम आई एम कैलकुलेटिंग एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी का सेटिस्फेक्शन, इसे बोलते हैं मार्जिनलिटी. इसे बोलते हैं मार्जिनलिटी. इफ आई आस्क यू, अरे बेटा टोटल 7 यूनिट ऑफ कमोडिटी था, कितना था? 7. सातों के सातों मैंगो ने आपको कितना सेटिस्फेक्शन दिया? तब आप क्या करोगे? इन सब का सम, सम मतलब एग्रीगेट. Either you can watch. See, क्या प्रॉब्लम है आपको? ये इजी है, लैंग्वेज मेक्स अस डिफिकल्ट. अभी बुक में रिलायबल देखो उसमें लिखा है सम, SUM, सम मतलब क्या? कंफ्यूजन होता है. सम अपने टेक्स्ट बुक में लिखा है एग्रीगेट लिखा है, तो एग्रीगेट का मतलब कुछ नहीं होता. ये सात मैंगो से मुझे टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला, इट्स कॉल्ड टोटल यूटिलिटी. तो ये क्या कॉलम है? यूनिट ऑफ कम्युनिटी. कंज्यूमर क्या कर रहा है? ये सारे यूनिट ऑफ कम्युनिटी को क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है. तो सारे यूनिट ऑफ कम्युनिटी को कंज्यूम करने के बाद मुझे टोटल यूटिलिटी कितना मिला, तब उसके लिए मैं क्या करूंगा? इन सब का टोटल करूंगा. जैसे कि पहले से कितना मिला था? 10. दोनों खाने के बाद टोटल कितना मिला? 3 खाने के बाद टोटल कितना मिला? 4 खाने के बाद टोटल कितना मिला? उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, समझ में आया? So how much total satisfaction? It's 28. It's called total utility. और एक यूनिट ऑफ कम्युनिटी से जितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, when the additional unit of community added into the consumption, it's called marginal. और सब का टोटल मिलने के बाद जो बनता है वो मेरा टोटल. नाउ इंग्लिश में थ्योरी टेक्सटबुक में जो लिखा है वो लिखते हैं. देखो, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ कम्युनिटी कंज्यूम. बराबर, 10 के बाद 8 दूसरा मैंगो खाया, तो दूसरे से कितना मिला? 8. देखो, फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ कम्युनिटी कंज्यूम, मतलब एवरी टाइम न्यू एडिशनल कम्युनिटी एडेड इन अ कंजम्पशन, तो जब नया कम्युनिटी से मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, दैट सेपरेट इंडिविजुअल सबका कैलकुलेट कर रहे, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल. और सब, अब इफ आई आस्क यू डिफरेंट क्वेश्चन, इफ आई आस्क यू डिफरेंट क्वेश्चन, सातों यूनिट ऑफ कम्युनिटी का टोटल सेटिस्फेक्शन में टोटल यूटिलिटी कितना मिला, तब आप क्या करोगे? सबका सात का टोटल निकालोगे. इट्स कॉल्ड टोटल यूटिलिटी. देखो यहाँ पर लिखा है एग्रीगेट. एग्रीगेट मतलब आया ना अभी, एग्रीगेट का मतलब टोटल किसका करना है? टोटल ऑफ यूटिलिटी आ गया. टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर. ये सब कंज्यूमर ने खाया कि नहीं? डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट ऑफ कम्युनिटी. ये देखो कॉलम, ऑल यूनिट ऑफ कम्युनिटी. सातों मैंगो से जो टोटल सेटिस्फेक्शन, टोटल यूटिलिटी मिला है, उसको टोटल यूटिलिटी बोलते हैं. और इंडिविजुअल यूनिट ऑफ कम्युनिटी से हम लोग को जो यूटिलिटी मिलता है, उसको बोलते हैं मार्जिनल. हैव यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन टू? टोटल का मतलब और मार्जिनल का मतलब, अंडरस्टूड? मार्जिनल लिख लो, ये शॉर्ट नोट के लिए आता है आपको. एक्सप्लेन द टोटल यूटिलिटी एंड एक्सप्लेन द मार्जिनल यूटिलिटी. These two are different questions. These two are different questions.
तू सैनिटाइजर लगा के बुक को छू रहा है, मेरे को लगता है साल भर के बाद पहले टच कर रहे हैं। तेरे को सैनिटाइजर लगा, बुक तो तेरा सही है अपवित्र। ये निकाल दिया बोला बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है उसी से मैं चार पांच क्वेश्चन बनाऊंगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, एक्सप्लेन द शॉर्ट नोट्स ऑफ टोटल यूटिलिटी, शॉर्ट नोट ऑलरेडी लिखा हुआ है डायग्राम टेबल आपके सामने। दूसरा बन गया इधर मार्जिनल यूटिलिटी का शॉर्ट नोट,
मीनिंग मार्जिनलिटी का दिख रहा है, बाद बाजू में उसका टेबल दिख रहा है. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन विच इज वेरी लॉन्गर. ड्रॉप योर पेंस फर्स्ट. तो क्वेश्चन का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. इट्स अ बिग क्वेश्चन. 8 मार्क का क्वेश्चन है. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे बड़ा क्वेश्चन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, बड़ा टू क्वेश्चन लंबे लंबे, मतलब इस चैप्टर में 8-8 मार्क्स के दो क्वेश्चन यही है. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. हम लोगों को क्वेश्चन बोला गया है एक्सप्लेन करो मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी का रिलेशनशिप. ओके, सो नाउ लेट स्टार्ट. व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन, हम लोग को पहले मीनिंग तो लिखना पड़ेगा. जब मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट करेगा लिखने के लिए, तो आई शुड हैव टू राइट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल. तो ये आधा क्वेश्चन इधर से मिल गया मेरे. सो मुझे क्वेश्चन क्या पढ़ना है, आप पेज नंबर 11 में देख सकते हो. पेज नंबर 11 में रेड में लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी लिखा हुआ है. अब हम लोग को क्या एक्सप्लेन करना है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप. ओके, सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट. आई डोंट नो व्हाट उन्होंने टेक्स्ट बुक में कैसे लिखा है, बट अपना बहुत अपन अच्छी तरह से लिखेंगे. पहले व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टोटल यूटिलिटी. यस और नो, ये ज्यादा अच्छा तरीका है. तो मैं पहले लिखेगा टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है. टोटल यूटिलिटी मीन्स इट्स एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट ऑफ कम्युनिटी कंज्यूम, इट इज कॉल्ड टोटल. देन आई एम गोइंग टू राइट व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी. सो मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एडिशनल यूनिट यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ कम्युनिटी कंज्यूम, इट इज कॉल्ड मार्जिनल. मीनिंग हो गया, इसका फॉर्मूला भी आता है, लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज छोड़ दो. मीनिंग हो गया. नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन डायग्राम भी है, डायग्राम में थोड़ा बाद में बताऊं. पहले टेबल को एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट. ये पहले तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद दो पॉइंट और आपको पढ़ाऊंगा मैं. तीन पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ यू कैन सी दैट टेबल इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. पहला कॉलम क्या लिखा है, यूनिट ऑफ कम्युनिटी, बराबर है ना. अब कम्युनिटी की जगह पे यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, यूनिट ऑफ मैंगो, यूनिट ऑफ एप्पल, यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल. कोई भी कम्युनिटी का आपको जो पसंद है वो ले सकते हो. अपने को सिर्फ कंजम्पशन से मतलब है, क्या कंज्यूम कर रहे हो उससे मतलब नहीं है. अब टेक्स्ट बुक में करेक्ट है, वो लोग ने इसलिए कम्युनिटी डाल दी. यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल नाउ, राइट. सो फर्स्ट कॉलम यू कैन सी दैट हियर यूनिट ऑफ कम्युनिटी, सेकंड कॉलम यू कैन सी दैट टोटल यूटिलिटी, थर्ड कॉलम यू कैन सी दैट टेबल विल बी रिमेन सेम, ये चेंज नहीं कर रहा हूँ. फर्स्ट यूनिट ऑफ कम्युनिटी कंज्यूम, सेकंड यूनिट ऑफ कम्युनिटी कंज्यूम, थर्ड यूनिट ऑफ कम्युनिटी कंज्यूम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ. सात मैंगो खाने के बाद दोनों के बीच में क्या चेंजेस हो रहे हैं, दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ. यू कैन सी टोटल यूटिलिटी कितना था पहले 10, उसके बाद कितना हुआ, उसके बाद कितना हुआ, समझ में आ रहा है, बढ़ रहा है. चलता है क्या मार्जिनल. यू कैन सी दैट वहां पे लाखोड़ वाला कॉलम में थोड़ा चेंजेस दिख रहा है. पहले कितना था, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, ये बढ़ रहा है, घट रहा है. तो जो दिख रहा है उसी के बारे में चर्चा करेंगे. पॉइंट नंबर वन मुझे अगर एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पे टोटल भी आपका देखो 10 था, कितना हुआ, उसके बाद ये बढ़ रहा है या घट रहा है. मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, इसका मतलब पहला पॉइंट नंबर बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस नाउ, हाउ वी हैव टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश नाउ. यही दिक्कत है ना, दिख तो रहा है लेकिन लिखना डिफिकल्ट है. तो लिखने का कैसे सर, व्हेन फर्स्ट यूनिट ऑफ कम्युनिटी कंज्यूम बाय कंज्यूमर, ये कंज्यूमर है ना, ये आदमी है, ये खाने वाला है सबने. When is the consumer? When first unit of commodity consumed by consumer, तब क्या क्या हुआ, total utility increases, but the word is but at diminishing rate. सर ये क्या बोल दिया, total utility बढ़ रहा है, but at a diminishing rate. अब इसका लाइन का मतलब समझाऊंगा. क्योंकि एक मैंगो खाने से आप लोग ने आंसर दिया था 10 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो दो के खाने के बाद कितना मिलना चाहिए था, आप लोग ने आंसर दिया था मैथ्स कैलकुलेट करके, जब मैं तीसरा खाएगा तो कितना मिलना चाहिए, ये मैं करेक्ट और नॉट,
जब एक से मुझे 10 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दो से मुझे 20 का मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना 18। तीन से मुझे कितने का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए था, मिला कितना? इसका मतलब क्या हुआ है? टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, धीरे धीरे कम होते होते बढ़ रहे। 20 मिलना था 18 मिला, 30 मिलना था 24 मिला, 40 का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए था। तो इसका मतलब इंग्लिश में मैंने जो वर्ड डाला था ना, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। मिलना इतना चाहिए था लेकिन मिला है 18, मिलना 30 चाहिए था मिला है 24, मिलना था 40 मिला है 28। तो इसका मतलब वर्ड क्या हुआ, इन अबाउट टेबल वी कैन सी दैट व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। बढ़ रहा है लेकिन जो रेट से बढ़ना चाहिए था वो रेट से बढ़ रहा है, उसके कम रेट से बढ़ रहा है, बराबर। एट द सेम टाइम व्हाट हैपनिंग इन योर मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्टेड डिक्रीजिंग, बराबर ना। मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रहा है घट रहा है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर वन अंडरस्टूड हाउ टू राइट व्हेन, अभी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। व्हेन इन अबाउट टेबल वी कैन सी दैट व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी एंड सेकेंड यूनिट ऑफ कमोडिटी at the same time total utility is increasing but at a diminishing rate and marginal utility started decreasing. Point close. जो दिख रहा है वही तो लिखा ना पूरे। Point number one understood? इसलिए बोले textbook इसको use ही नहीं कर रहे। Point one clear हो गया ना? अब दूसरे changes में क्या? अब ये दो का concept clear हो गया, एक दो तीन सब point clear हो गए। अब अपने को ये दिखना है, ये दो। Point number two में मैं दो डालेगा। When consumer consume fourth and fifth unit of commodity, बराबर। When consumer consume fourth and fifth unit of commodity, तब क्या हुआ बेटा बोल लो? जब consumer ने ये चौथा और पांचवा mango खाया तो total utility सबसे ज्यादा हो गया, 30 तक पहुंच गया। तो total utility is reaches his the maximum and highest point, बराबर है ना? Maximum दिख रहा है ना पूरे टेबल में, सबसे ज्यादा इधर ही दिख रहा है, 28 और 30 में दिख रहा है, बराबर। टोटल यूटिलिटी इज बिकम इट्स अ मैक्सिमम एंड मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन कंज्यूम, इसको भी ऐड करना है तो कंज्यूम, व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम फिफ्थ और सिक्स्थ यूनिट ऑफ कमोडिटी टोटल यूटिलिटी इज बिकम हिट्स अ हाईएस्ट पॉइंट, इट्स रीचेस टू द मैक्सिमम एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज बिकम जीरो बिकॉज़ सैटिस्फेक्शन लेवल स्टार्टेड डिक्रीजिंग। पॉइंट एडेड, बराबर है, वही तो मैं आपने बोला ना सर, जीरो क्यों हुआ? जीरो की हुआ मार्जिनल यूटिलिटी क्योंकि सैटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा थोड़ा कम हो, स्टमक फूल हो रहा है ना आपका। पहला एक मैंगो खाया मजा आया, दूसरा खाया मजा आया, तीसरा खाया मजा आया, चौथा खाया मजा, बट व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम फिफ्थ एंड सिक्स कंसेक्यूटिव यूनिट ऑफ कमोडिटी व्हाट हैपनिंग? टोटल यूटिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ गया बट मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गया, डिक्रीज नहीं जीरो हो गया, डिक्रीज तो पहले पॉइंट में हो रहा था। नाउ इन केस when consumer consumes 6 unit of commodity marginal utility become a zero, why? because satisfaction level started, isliye zero hua, zero ka reason bhi to malum hona chahiye na mujhe। point number 1 to complete। ab point number 2 ko thoda aur elaborate karoge na isko, when consumer consumes, iska explanation textbook mein elaborate kar lamba karke diya but main 3 mein khatam karna hai mujhe, to main 3 mein khatam kar sakta hu kaise। When consumer consume fifth and sixth unit of commodity, total utility is reaches its highest and maximum point, and marginal utility is become a zero. Why? Because it's reached to the satisfaction level started decreasing, and this point is called in economic, this point is called point of stability. इसको बोलते हैं point of stability. क्यों point of stability बोलते हैं? इसको अभी नहीं पता चला, इसका diagram बनाऊंगा तब पता चलेगा। तो this point is called point of stability. क्या बोलते हैं इस पॉइंट को? इस पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलते हैं? पॉइंट ऑफ स्टैटिक। नाउ सेटिस्फेक्शन लेवल इज कंप्लीटेड बिकॉज़ ये मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गया ना, सो इट मींस दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ स्टैटिक। इट मींस पॉइंट ऑफ स्टैटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आपका खाने का सेटिस्फेक्शन था वो पूरा खत्म हो, अब आपको खाने की इच्छा नहीं, फिर भी ठूस रहे ना मुंह में, मतलब फिर भी लोग खाना खाते हैं, मतलब पेट भरने के बाद भी कुछ लोग कंजम्पशन करते हैं, तो ये वाला पॉइंट था। आफ्टर द सेटिस्फेक्शन लेवल कंप्लीटेड, हो गया ना कंप्लीटेड,
पॉइंट नंबर देखो तीन पार्ट में मैंने क्वेश्चन को डिवाइड किया, व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यूनिट ऑफ कमोडिटी, उसमें क्या क्या हुआ, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, और मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रहा है, पॉइंट नंबर वन क्लोज। उसके बाद पॉइंट नंबर टू में डाला, व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम फिफ्थ एंड सिक्स्थ यूनिट ऑफ कमोडिटी, क्या हुआ, टोटल यूटिलिटी रीचेस टू इट्स मैक्सिमम हाइएस्ट पॉइंट एंड मार्जिनल यूटिलिटी बिकम अ जीरो, व्हाई, बिकॉज सेटिस्फेक्शन लेवल इज द कंप्लीटेड एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ स्टैटिसटिक्स। अब फिर भी खाना खा रहे हो, पेट भी भरा हुआ है, खाने की इच्छा भी नहीं है, सो आफ्टर सेटिस्फेक्शन लेवल इज कंप्लीटेड, हो गया ना, सेटिस्फेक्शन लेवल कंप्लीट हो गया इधर, तो आफ्टर द सेटिस्फेक्शन लेवल कंप्लीटेड व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम सेवन यूनिट ऑफ कमोडिटी व्हाट हैपेंड, टोटल यूटिलिटी स्टार्टेड डिक्रीजिंग एंड मार्जिनल यूटिलिटी बिकम अ नेगेटिव, व्हाई, बिकॉज दिस पॉइंट इज कॉल्ड दिस सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ कंज्यूमर, क्योंकि ये लेवल कौन सा था, सेटिस्फेक्शन लेवल तो खत्म हो गया था फिर भी कंजम्पशन हो रहा है, इस पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलते हैं, दिस सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ कंज्यूमर, तीन पॉइंट में आपका आंसर खत्म होता है, रिलेशनशिप समझ में आया। अब इसको डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको, तब आपको ये पता चलेगा कि पॉइंट ऑफ स्टैटिसटिक्स क्या होता है। इसका डायग्राम बनाना एक आर्ट है, ये वाला जो डायग्राम अभी मैं बनाऊंगा ये बनाना एक आर्ट है, आप लोग कैसे बनाओगे आपकी चॉइस, ये डायग्राम इन लोग को दिखेगा थोड़ी देर के लिए। चलो गाइस लिसन टू मी, ये कौन सा एक्सिस है, वाई, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स, ये जीरो, नाउ वाई एक्सिस शोस व्हाट, देखो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये एक्स एक्सिस शोस यूनिट ऑफ कमोडिटी, चलो आपको दो पॉइंट मिला, अभी पहला वाई एक्सिस क्या दिखा रहा है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल, एक्स एक्सिस क्या दिखा रहा है, यूनिट ऑफ कमोडिटी, तो यूनिट ऑफ कमोडिटी कितना है अपने पास, देखो एक दो तीन चार पांच छह सात, ठीक है इधर तक। अब यहाँ पे पॉइंट देखो, दो है चार है छह है आठ है दस है, मतलब ये 30 तक गया है, मतलब ये बहुत लंबा जाएगा ऊपर, मेरा पेज मेरा बोर्ड थोड़ा शॉर्ट गिरेगा, समझ रहे ना क्यों, तो ये ऊपर चला जाएगा, बना लूंगा मैं, चार मैं चार का गैप इसलिए ले रहा हूँ समझ में ना, क्योंकि दो चार छह लूंगा तो आपका फुल स्क्रिप्ट ऊपर चला जाए, तो थोड़ा मेक सेंस राइट, बस बाबू तेरे वजह से मैं मैथ सीखा हूं 32 भी है जरूरी है, अच्छा नहीं वही मैं बोला, मैं मैच सीखता हूँ, तो फिर ये सब चीजें मेरे बस की बात नहीं है, बहुत टाइम लगता था मेरे को, क्या बनाए पहले, आपको कौन सा कॉलम पसंद है, पहले टोटल यूटिलिटी का कॉलम बनाओ या मार्जिनल यूटिलिटी का बनाओ, पहले टोटल यूटिलिटी का बनाओ, चलो तो व्हेन यू आर, ये तो इतना आएगा अपने को बनाने के लिए, इसमें तो डिफिकल्ट नहीं है, इसमें डिफिकल्ट क्या था मालूम है क्या, इधर का साइज जो लेते हैं ना वो थोड़ा सेम लेना, इधर में सपोज इतना लूंगा इधर इतना लूंगा, डायग्राम गलत हो जाएगा, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग अपने पेज के हिसाब से मत जाओ, वो पेज में एक एक सेंटीमीटर का लाइन दिया रहता है, उसी हिसाब से ना आप जितना साइज इधर ले रहे हो ना उतना ही गैप इधर भी होना चाहिए, जितना गैप इधर है उतना ही गैप इधर होना चाहिए, अदरवाइज डायग्राम आपका गलत आ जाए, समझ में आया, इधर तो कोई डाउट नहीं है ना, तो आप बोल रहे कि टोटल यूटिलिटी का पहले बनाओ सर, तो देखो
जब कंज्यूमर ने कंज्यूम किया फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी तब टोटल यूटिलिटी कितना था? दिख रहा है बस डायग्राम देख के, वो ये टेबल देख के बोलो, ये एक यूनिट ऑफ मैंगो था तब टोटल यूटिलिटी कितना था? 10 था ना, तो जब एक मैंगो खाया तो यूटिलिटी कितना? 10 किधर आता है भाई? इधर आता है। तो मेरे पास दिख नहीं रहा, यहाँ पे मैं ऐसे जानबूझ के लिख रहा हूँ फॉर अंडरस्टैंड, बराबर। तो यहाँ पर मेरा दोनों अगर मैं कनेक्ट करूं तो ये पॉइंट का इधर आना, करेक्ट है? मैं वो डॉट लाइन नहीं देखा, नहीं बना रहा, तो अच्छा नहीं दिखेगा। जब मैंने दूसरा मैंगो खाया तब मेरे को कितना टोटल यूटिलिटी मिला? दूसरा इधर है तो 18 ऊपर चला जाएगा, किधर आएगा बेटा? बराबर, तो सेकेंड से मुझे मिल रहा है, इधर तक जाएगा, करेक्ट करेक्ट। अब थर्ड से कितना तक जा रहा है? थर्ड इधर है, थोड़ा आगे लेके जाते हैं, 24 तक, ठीक है, बराबर। फोर्थ मैंगो खाने से कितना? 28, थोड़ा और ऊपर जा रहा है ये तो, बराबर। उसके बाद फिफ्थ मैंगो खाया तब कितना हुआ? यहाँ पे निकाल देता हूँ बेटा, 30, कंफ्यूजन दे रहा। तो ये 30 इधर जाएगा, फिफ्थ के सामने ही है ना, इधर तक आएगा, बराबर। और जब सिक्स्थ मैंगो खाया तब कितना मिला? 30, बराबर। उसके बाद सेवेंथ कमोडिटी कंज्यूम किया तब कितना हुआ? 28, अंडरस्टूड? अब आपके पास तो स्केल होगी, अभी मेरे लिए टास्क बन जाएगा। करेक्ट, समझ में आया? ये आपने क्या बनाया मालूम है? ये कर्व को बोलते हैं टोटल यूटिलिटी कर्व, समझ में आया कैसे बनाया? अब बना, अभी तक बाकी है, डायग्राम खत्म नहीं हुआ, बिकॉज मैंने सिर्फ कौन सा बनाया है और हमें कौन सा एक्सप्लेन करना है, रिलेशनशिप टोटल एंड मार्जिनल, दोनों का। तो मार्जिनल अभी बनाना बाकी है। सो अगेन, व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी इज द, पहला बनाओ। जब कंज्यूमर कंज्यूम सेकेंड यूनिट ऑफ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी इज द, तो दो के जगह पे इधर आएगा 8, करेक्ट है बेटा? यस सर। मेरा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, नीचे के साइड में संभाल ले, 3 के जगह पे 6 इधर में डाल देता हूँ। उसके बाद 4 पे कितना आ रहा है? 4 ही आ रहा है। 5 पे कितना आ रहा है? 2। तो शायद थोड़ा सा आगे पीछे हो जाने का, अपने थोड़ा ऊपर करता हूँ। अब 6 पे कितना जा रहा है? 0 इधर आएगा। और 7, अभी ये थोड़ा मैं इसको नीचे खींचूंगा लाइन, समझा? क्यों? -2 और एक, अरे चुप रहो, मैं अपने बस इधर दे माइनस, आप अपने निकालो। मैं तो अपने तब से निकाल दूंगा बाबू, मुझे अभी ये सब पॉइंट को करेक्ट करना पड़ेगा। ये काम करते चलो, मेरा ही सही है तो क्या?
Now you can see that diagram is correct. When you wake up from chair, you will be very good. So now, ये खत्म नहीं हुआ टाइम अब हाँ खत्म नहीं अभी मुझे वापस से बैक टू पवेलियन वापस से टेबल पे जाना पड़ेगा नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेन करने के लिए नाउ स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग नाउ पहला क्वेश्चन कौन सा पढ़ रहे हैं मालूम है हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं डायग्राम पढ़ रहे हैं किसका रिलेशनशिप बिटवीन टोटल इम्यूनिटी एंड मार्जिनल स्टेप नंबर वन हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन ये 8 मार्क का क्वेश्चन पहले में क्या लिखेगा टोटल यूटिलिटी का मीनिंग लिखेगा आयरन मीनिंग मुझे उसके बाद में क्या लिखेगा बोर्ड पे लिखा था खत्म ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का उसके बाद टेबल बनाने आएगा वी हैव टू एक्सप्लेन द टेबल ओनली अपने को टेबल को एक्सप्लेन करना है तीन पॉइंट में खत्म हो सकता है एक्सप्लेनेशन तीन पॉइंट यहाँ पे लिख के दिए है ना तीन पॉइंट में एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएगा कैसे सर व्हेन इन अबाउट टेबल वी कैन सी दैट क्या दिख रहा है हम लोग को बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर राइट इन अबाउट टेबल वी कैन सी दैट व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम फर्स्ट यूनिट ऑफ कम्युनिटी आइदर इफ यू आपको थोड़ा इलाबरेट करना है तो आप देख सकते हो व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यूनिट ऑफ कम्युनिटी राइट तो क्या चेंजेस हुए वो आपको शो करना है व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ यूनिट ऑफ कम्युनिटी एट द सेम टाइम टोटल यूटिलिटी इज अ इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट बढ़ रहा है लेकिन जो रेट से बढ़ना चाहिए था उससे नहीं तो इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग ओके एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज स्टार्टेड डिक्रीजिंग पॉइंट नंबर वन उसके बाद यहां पे देखा हम लोगों ने व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम्स फिफ्थ एंड सिक्स्थ यूनिट ऑफ कम्युनिटी टोटल यूटिलिटी रीचेस इट्स अ हाईएस्ट पॉइंट बराबर एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज बिकम अ जीरो ये क्यों हुआ बिकॉज सेटिस्फेक्शन लेवल इज अ कंप्लीटेड क्या था सेटिस्फेक्शन लेवल इज अ कंप्लीटेड एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ अब मैं दिखाऊंगा ये पॉइंट ऑफ When you have this point, देखो आया point of six. When consumer consumes six unit of commodity, total utility is reaches its maximum and marginal utility is become a zero. This point is called point of stability. ये था आपका point of stability. जब ये इस तरह से आएगा, it means that your diagram is a correct and perfect. या ऐसा आ जाएगा तो समझ जाएगा कुछ गड़बड़ कर दी. समझ में? मेरा correct है देखो. इतना झोलियाँ करने के बाद भी I am correct. So point understood how to prepare the diagram. Now this point, ये जो line draw किया ना मैंने, ये curve, इसी point को ये लोग ये explain करना था पूरे मुझे diagram में, इसलिए इतना मेहनत किया. ये dot dot वाला line, this point is called point of stability. It means satisfaction level is completed. And last में था, when after the satisfaction level completed, हो गया completed? 6 में ही मेरा complete हो गया था. After the satisfaction level completed, consumer still consuming 7 unit of commodity. फिर भी खा रहा है. उस समय क्या हुआ? Total utility decreases and marginal utility goes into the negative. Reason? This point is called dissatisfaction level of consumer. क्योंकि खाना खाने के बाद भी पेट भरने के बाद भी आप लोग कुछ खा रहे हैं. उसमें satisfaction नहीं मिलता आपको. समझ गया? This point is called dissatisfaction level of consumer. क्लियर हो गया तीन पॉइंट में क्वेश्चन खत्म डायग्राम भी आ गया अंडरस्टूड ये क्वेश्चन था रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन नाउ स्टार्ट प्रिपेयरिंग एक टाइम ये समझ में आया सबको
डबल डबल ले लेंगे जाओ बेटा
आपका गलत होगा ना, क्योंकि आपने डिस्टेंस ही गलत किया। मैं वही तो चीज बोल रहा था, जो नीचे जो नीचे लिया है क्या कोई क्या हमको ऊपर भी लेना चाहिए। आपने ये दोनों का गैप देखो, और इधर का गैप देखो, बात समझ रहे हो? तो क्या करेंगे आधा फिट पहाड़ कौन सा बना है? कौन सा पहाड़ है ये? जरा देखो मेरा वाला देख, मैंने इतना बिना स्केल के भी कैसे निकाला है। कम टाइम क्या हुआ है? साढ़े नौ Gracias.